जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी को बुला लीजिए हमारे लाइव सेशन के अंदर, जिसके अंदर कर रहे थे हम राजस्थान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्विज के तौर पर है, जिससे हम अपना एनालिसिस खुद कर पाएँ कि हमारी एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है, इन सभी के लिए। तो जल्दी से सभी शेयर कर दीजिए, सबको बुला लीजिए। रोशनी मनेरिया, हेलो सर। हेलो रोशनी, सभी को एक बार शेयर कर दो, जल्दी से बुला लो, क्योंकि यहाँ पर आज कुछ ज़्यादा ही है जो बाहर शोर हो रहा था, कुछ म्यूजिक वगैरह, इसलिए मैं क्लास को थोड़ा सा लेट लेकर आया, बाकी मैं जल्दी फ्री हो गया था। नीरज शर्मा सर जी, जय माता दी, बिल्कुल जय माता दी। एसपी बागोड, ये एसपी आप इसको बागोड पढ़ते हैं या क्या पढ़ते हैं, एक बार थोड़ा बताना सर। नमस्ते नमस्ते। रोहित प्रजापत, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। आज कहाँ घूम रहे थे आप? आज तो कहीं नहीं घूम रहा था। मनोज सेन सर जी, सीईटी का मतलब क्या है? सीईटी का मतलब है कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। दिल्लू सेन सर, बिल्कुल। परमेश्वर गोदारा, सभी शेयर कर दीजिए, एक बार सभी को बुला लीजिए, उसके बाद में हम क्वेश्चन करते हैं आज की हमारी इस क्लास के। राहुल शर्मा, मेवाड़ से हूँ, बिल्कुल। दिल्लू सेन, बिल्कुल आपका स्वागत है अपने परिवार, अपने चैनल बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन के अंदर। साथ ही साथ अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। जीवन राम जाट, हेलो सर जी, हेलो। परमेश्वर, राम राम गुरुदेव, बिल्कुल राम राम। राजस्थान एग्जाम नगरी, राम राम जी, राम राम। बिल्कुल सभी को बुला लीजिए, क्योंकि अभी सारे स्टूडेंट नहीं आए हमारे, उसके बाद में हम क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आप शेयर कर दीजिए ताकि जिसको नहीं पता चले उसको भी पता चल जाए। हाँ बिल्कुल, दिल्लू सेन आएंगे मेवाड़ में, बिल्कुल आएंगे। कन्हैया 1435 ए, बिल्कुल 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 राइट आंसर है। अभी हम देखेंगे, अभी आप चलिए हम शुरू कर दें क्या सेशन को। आना जरूर मेवाड़, बिल्कुल मेवाड़ जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मेवाड़, मेवाड़ वीरों की भूमि, जहाँ पर बिल्कुल आना चाहेंगे, क्यों नहीं आएंगे। हूँ लड़्यो गणू, हूँ सयो गणू, मेवाड़ी मान बचावण ने। हूँ पाच नहीं राखी रण में, बेरियारो खून बहावण ने। ऐसी जगह क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सीईटी का पेपर होगा क्या सर? देखो मनोज, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी आप शेयर कर दीजिए जल्दी से, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए आज की हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है, वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी, ये कौन सी नदी थी? आप इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। सर आप कहाँ से हो फिलहाल? मैं राजस्थान के अंदर नागौर डिस्ट्रिक्ट, डेगाना तहसील, बता तो दिया। चलिए नाइस सर, नाइस बिल्कुल। रावल सिंह ए, प्रदीप का ए है, रावल सिंह का ए है, राहुल शर्मा का ए है, दिल्लू सेन का बी। दिल्लू सेन एक बार फिर से देखो क्या होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। सभी आंसर देंगे, सभी आंसर देंगे। अगर किसी का गलत हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, आपको खुद को आइडिया होगा कम से कम कि मेरी तैयारी कहाँ पर कम है। अर्जुन सिंह ए, सर बी आंसर है। दिल्लू सेन एक बार फिर से देखो, फिर से देखो। रोशनी मनेरिया ए, सरस्वती नदी कालका पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश उद्गम होता है, राजस्थान के टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। प्रदीप कछावा, चलिए सभी का राइट आंसर है इसके अंदर हमारा, और प्रदीप ने बहुत अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी। क्या होगा? सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए सरस्वती नदी है, जो हिमाचल के अंदर कालका पहाड़ियों से निकलती है और ये हनुमानगढ़ के अंदर ही प्रवेश करती है। बिल्कुल सही बताया प्रदीप ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सी एक नदी जो सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है? इनमें से हमें एक ऐसी नदी कौन सी है जिसके बारे में बताना है जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहती है। तो ऑप्शन नंबर है पहला आपके पास में साबी, ऑप्शन नंबर बी है बनास, ऑप्शन नंबर सी है लूणी, और ऑप्शन नंबर डी है जाखम। ठीक है, तो आप आंसर दें जल्दी से। दिल्लू सेन सॉरी ए आंसर, बिल्कुल अभी सही है। अभी आप क्वेश्चन नंबर लिखें और उसके बाद में आप आंसर लिखें। बैठ जाओ बेटा, अभी पढ़ेंगे हम। विलुप्त परमेश्वर गोदारा विलुप्त नदी, हाँ बिल्कुल विलुप्त नदी है, प्रदीप कछावा है। आप क्वेश्चन नंबर लिखें, उसके बाद में आप ऑप्शन लिखें, ठीक है, तो हमें आसानी रहेगी क्वेश्चन को पहचानने के अंदर कि आप किसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, खुशी चौधरी सी, परमेश्वर गोदारा सी, सिर्फ राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में बहती है, वही नदी के बारे में बताना है। सी सी बता रहे हैं सभी, प्रिया राजपूत सर सी, रोहित सर दो का सी, बिल्कुल दिल्लू सेन सी आंसर है, रावल सिंह सी, प्रदीप कछावा का सी है, परमेश्वर गोदारा का सी है। आप शेयर कर दें जल्दी से, एग्जाम नगरी सी, चलिए रोशनी मनेरिया का सी है, कन्हैया का दो में सी, सभी का सी है। क्वेश्चन नंबर दो के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लूणी नदी। ये बिल्कुल राइट आंसर है हमारा, क्या है, लूणी नदी, लूणी नदी है वो राइट आंसर है जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहती है। आप लोगों को पता है ये अजमेर के अंदर नागपहाड़ियों से निकलती है, अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है, अजमेर की नाग पहाड़ियाँ, उसके बाद में ये अजमेर, नागौर, और नागौर के बाद में जोधपुर, पाली, बाड़मेर, यहाँ पर बहते हुए कच्छ के रन के अंदर विलुप्त हो जाती है। और ये बालोतरा के बाद में इसका पानी है वो हमेशा मीठा होता है, आप बालोतरा तक मीठा होता है, बालोतरा के बाद में इसका खारा हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, बालोतरा तक क्या होता है, मीठा, उसके बाद में खारा हो जाता है। और इसका जो बाढ़ क्षेत्र है, यानी कि अगर लूणी नदी का के अंदर जब अजमेर की पहाड़ियों के अंदर ज़्यादा बारिश होती है तो लूणी नदी के अंदर बाढ़ आती है, और ये जो बाढ़ का जो क्षेत्र होता है, बाढ़ का जो क्षेत्र होता है, इस बाढ़ के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, यहाँ पर इसको कहा जाता है नेहड़, नेहड़ क्या कहते हैं, नेहड़ या रेल, क्या कहते हैं, नेहड़ या रेल। ये आपको आंसर आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। लूणी नदी अजमेर की नाक नहीं है, राजस्थान एग्जाम नगरी नाग है, नाग पहाड़ी से निकलती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है, उसके बाद में अजमेर, नागौर, पाली, और उसके बाद में जोधपुर, बाड़मेर, इनमें बहते हुए जालोर, और फिर ये कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। और उसके बाद में इसका जो बालोतरा के पहले पानी मीठा होता है, बालोतरा के बाद में खारा हो जाता है, और इसके जो बाढ़ का क्षेत्र है उसको नेहड़ या रेल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है। जो बनास नदी है इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो कौन से जिले में है, ये हमें पूछा है। बनास नदी का जो मुख्य क्षेत्र, आप एक बार शेयर कर दें, सभी को बुला लें। मनोज सेन, प्रदीप कछावा सी, मीरा गोदारा सी, सभी का उसमें आंसर राइट था। अभी आप क्वेश्चन नंबर लिखें, उसके बाद में आप ऑप्शन लिखें तो मुझे क्लियर रहेगा कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, आप जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर ए में चूरू, ऑप्शन नंबर बी में है कोटा, ऑप्शन नंबर सी में टोंक, ऑप्शन नंबर डी में है अजमेर। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा, जल्दी से बताएं। राहुल रामावत 3 में डी, राहुल एक बार फिर से देखो। मीरा गोदारा सी, राहुल रामावत 3 में डी, प्रदीप का सी है, राहुल शर्मा का बी है, परमेश्वर गोदारा का सी है, और दीपक भाट का सी है, खुशी चौधरी का सी है, राहुल शर्मा का 3 में बी, एक बार फिर से देखो। रोहित प्रजापत सर 3 का बी, एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको। बनास नदी का राइट आंसर होगा, इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो टोंक के अंदर है। कहाँ पर है, टोंक के अंदर। बनास जो बेसिन है इसका मुख्य क्षेत्र है, बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र कहाँ पर है, टोंक के अंदर। यह आपको ध्यान होना चाहिए, जिसका भी गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4। सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है, यानी कि जो सीकर जिला है यहाँ पर कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी का उद्गम होता है, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो आप जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर ए है बनास, ऑप्शन नंबर बी में है काकनी, ऑप्शन नंबर सी में है लूणी, और ऑप्शन नंबर डी में है कांतली। तो आप जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम है वो होता है, इसमें ऑप्शन नंबर ए में है बनास, ऑप्शन नंबर बी में काकनी, ऑप्शन नंबर सी में लूणी, ऑप्शन नंबर डी में है आपकी कांतली। जल्दी से बताएं, 4D लॉक करो सर, बिल्कुल। प्रदीप सी बता रहे हैं, नीरज सी बता रहे हैं। अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हम। राहुल रामावत 4 में डी, राहुल रामावत का, रोशनी मनेरिया का 4 में डी, दीपक का 4 में डी, राहुल शर्मा का 4 में डी, परमेश्वर गोदारा का डी, रावल सिंह का डी, रोहित का डी है, प्रिया राजपूत का डी है, दीपक भाट का डी है। चलिए सभी का आंसर राइट है इसके अंदर हमारा। ऑप्शन नंबर डी कांतली नदी, ये हमारा राइट आंसर होगा। आप लोगों को पता है ये सीकर जिले के अंदर कहाँ से निकलती है कांतली नदी? खंडेला की पहाड़ी से। खंडेला की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से निकलती है। खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर इसके बाद में ये सीकर में बहती है और फिर झुंझुनू में बहती है और यहाँ पर बहने के बाद में ये जो चूरू है, चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। चूरू सीमा पर विलुप्त हो जाती है। क्या होगा राइट आंसर हमारा? 4 में डी आंसर राइट था। सर फिजिकल पूजा से नहीं, सर फिजिकल में कास्ट सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन टाइम का चलेगा या अब 6 मंथ का तक का, दोनों ही चल जाएगा। आपके पास में ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए, आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है राजस्थान में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी है? ये क्वेश्चन है, इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ आपको। यहाँ पर इसमें 2 ऑप्शन राइट होंगे, यानी कि आपके कौन से 2 ऑप्शन राइट होंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। जो बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी हुई है ऐसी कौन सी नदी है? इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है लिखने में, तो इसका ऑप्शन है ए बनास, ऑप्शन नंबर बी है चंबल, ऑप्शन नंबर सी है माई, ऑप्शन नंबर डी है सरस्वती। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? एक बार शेयर कर दे सभी को बुला लीजिए, अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दीजिए एक बार सभी क्लास को, और बाकी भी आप शेयर कर दीजिए, सभी को बुला लीजिए एक बार। जीके फिटनेस अब 5 में बी, देखो 5 के अंदर मैं बता रहा हूँ 2 आंसर राइट होंगे, इसमें क्वेश्चन को टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, लेकिन इसमें यही पूछा है जो बंगाल की खाड़ी जल प्रवाह से जुड़ी हुई है उन नदियों के बारे में बताना है। इसमें 2 ऑप्शन सही है, 2 नदियाँ होगी। मेरे नेटवर्क की समस्या हो गई, कोई बात। प्रदीप कछावा नेटवर्क क्या दिक्कत है? रोहित प्रजापत सर 5 का ए बी डी नहीं, 2 ही सही है, इसमें 2 ही सही है। प्रदीप कछावा ए बी, जल्दी बताएं सभी बी और सी। प्रिया राजपूत बी और सी, प्रिया एक बार फिर से देखो। राहुल सिंह 5 में डी, राहुल गलत है, एक बार फिर से देखो। ए बी 5 में ए बी, राहुल शर्मा बी। मैंने बताया इसके आंसर 2 सही होंगे, 2 ऑप्शन सही होंगे। जय हिंद साहब, बंटी गुजर जय हिंद। नीरज शर्मा 5 में ए बी, प्रदीप कछावा ए बी, रोशनी मनेरिया 5 में डी बी। रोशनी एक बार फिर से देखो। चलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बनास और चंबल। ये दोनों नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी का जो जल प्रवाह है उसकी सहायक नदियां। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? ये हो गई हमारी चंबल नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी हो गई? बनास। और ये चंबल नदी आगे जाकर किस में मिल जाती है? इधर से आती है यमुना, ये किस में मिल जाती है? यमुना में। और यमुना आगे चल के किस में मिल जाती है? जो इधर से आती है हमारी गंगा। और ये गंगा आगे कहाँ चली जाती है? हमारे बंगाल की खाड़ी के अंदर। ये जो है बंगाल की खाड़ी का जल प्रवाह क्षेत्र है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए बनास और ऑप्शन नंबर बी चंबल, ये दोनों नदियां हैं बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्षेत्र से बनाती हैं। लेकिन जो माई नदी है ये आप लोगों को पता है, माई नदी आप लोगों को पता होगा। माई नदी हमारे बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, माई नदी जाती है खंबात की खाड़ी में। मैंने कल ही बताया था, खंबात की खाड़ी में जाती है माई नदी। और जो सरस्वती नदी है ये तो अभी हमने पहले ही पढ़ा है, जो हिमाचल से निकलकर यहाँ पर पहले ही जो विलुप्त हो गई थी हमारे उत्तर राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ गंगानगर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये सरस्वती नदी पहले से ही विलुप्त हो गई है और इसी के ऊपर घग्गर नदी बहती है। ठीक है, तो आपको आंसर इसमें क्लियर हो गया होगा। हाँ, इसके बारे में मेरा नाम लो सर जी। 5 में ए बी है, जीवन राम जाट। बिल्कुल जीवन, आप आंसर जब जल्दी दिया करें थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन हमारे 20 होते हैं, इसमें 1 घंटा लग जाता है हमें, क्योंकि हम आराम से पढ़ते हैं सारी चीज़ें देख के। तो ये मतलब क्लास 20 के अंदर बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए थोड़ा सा मैं लेवल से चल रहा हूँ, तो आप लोग भी मेरा साथ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। आहाड़ नदी का नाम उदयसागर के बाद हो जाता है। जो आहाड़ नदी है ये उदयसागर झील में गिरने के बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बनास नदी, ऑप्शन नंबर बी है गंभीरी नदी, ऑप्शन नंबर सी है बेड़च नदी और ऑप्शन नंबर डी में है काली नदी। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा? 6 में सी बता रहे हैं, सोहेब खान बता रहे हैं सी, रोशनी मनेरिया सी, बंटी गुजर बेड़च, भीम शर्मा का सी है, जी के फिटनेस बेड़च नदी, बिल्कुल प्रदीप कच्छावा सी है, रोहित प्रजापत सर सिक्स का सी, प्रदीप कच्छावा का सी है, रामकिशोर आंवला का सी है, जीके फिटनेस का बेड़च, नीरज शर्मा का सी, स्टडी ट्रिक विथ सेम, हेलो गुड इवनिंग सेम, राहुल सिंह सी, नीरज शर्मा सी। चलिए सभी का इसके अंदर हमारा राइट आंसर है। सारे जितने भी जो जुड़े हुए हैं वो सभी आंसर देने की कोशिश करें, चाहे आंसर गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स का क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमारा ऑप्शन नंबर वो राइट है बेड़च। जो आहड़ नदी है इसको किस नाम से बोलते हैं? आयड़ नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से? आयड़ नदी को भी नाम से भी। ये उदयसागर जो झील है इस उदयसागर झील के अंदर ये गिरती है आयड़ या आहड़ नदी के नाम से, और जब इस झील से बाहर निकलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। क्या हो जाता है? बेड़च नदी। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। जीके फिटनेस अभी बताएंगे, अभी बताएंगे क्वेश्चन, अभी ये करने के बाद में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? इसमें से ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है, उस नदी के बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बनास नदी, ऑप्शन नंबर बी में है चंबल नदी, सी में है साबरमती और डी में है माही नदी। अब जल्दी से बताएं इसका आंसर। उदयपुर में, बिल्कुल बिल्कुल उदयपुर में ही है, उदयसागर झील उदयपुर में ही है। जीके फिटनेस ये आपको पता होगा, गोगुंदा की पहाड़ियों से है जो निकलकर भीलवाड़ा बिगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती है उसके बाद में, और इसके ऊपर गोसुंडा बांध भी बना हुआ है चित्तौड़गढ़ के अंदर। आप लोगों को ये भी एडिशनल जो चीज़ें हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। बेड़स नदी के अंदर ही गोसुंडा बांध बना हुआ है चित्तौड़गढ़ के अंदर, और ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा बिगोद के निकट बनास में मिल जाती है। आपको ध्यान रखना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। चंबल नदी, चंबल नदी, शोएब खान का 7 में बी, चंबल बंटी का चंबल, जीके फिटनेस का चंबल, रोशनी मनेरिया का बी 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 रावल का जीवन का बी है, रावल का बी है, शिवानी नागर चंबल, रामकिशोर आंवला बी, रावल सिंह बी, प्रदीप का बी है, नीरज का बी है, बंटी का बी है। चलिए सभी का राइट आंसर इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी नदी है जो जल की आपूर्ति करती है? चंबल नदी। आप लोगों को पहले से ही पता होगा, ये मऊ के निकट जनापाव की जो पहाड़ियाँ हैं, चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ जो जिला है इसकी जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है, मैंने पहले ही आपको लोगों को बताया है, जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है, और इसके बाद में राजस्थान के अंदर ये चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। राजस्थान में चौरासीगढ़ से, चौरासीगढ़ से ये प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। आप जल्दी से शेयर कर दीजिए, एक बार सभी को बुला लीजिए। तेजवीर कुंतल बिल्कुल बी है, राइट आंसर है बी। उसके बाद में आप लोगों को बता दूं, जो चंबल नदी है इसके 3 उपनाम भी हैं जो भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका एक नाम है चरणवती। क्या नाम है? चरणवती। क्या नाम है उपनाम? चरणवती। इसके बाद हाँ, सभी का आंसर राइट है। चंबल नदी पर बांध के बारे में बताओ, बिल्कुल बताऊंगा, चंबल नदी के बांध बारे में बताऊंगा टोटल। ये यहाँ से अभी देख लीजिए, चरणवती इसका उपनाम है। उसके बाद में इसको कामधेनु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कामधेनु नदी भी, ठीक है। चरणवती, कामधेनु, और उसके बाद में इसको बारहमासी नदी भी कहा जाता है। बारहमासी नदी, ये तीनों है जो चंबल नदी के उपनाम है। क्या है? चंबल नदी के उपनाम। इसके बाद में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली जिलों के अंदर ये बहती है। कहाँ पर बहती है? कोटा, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ के अंदर, उसके बाद में कोटा के अंदर, फिर कोटा के बाद में बिल्कुल इंदौर नहीं, इंदौर नहीं, मऊ जिले से निकलती है, मऊ जिले से, उसके बाद में कोटा, बूंदी, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, और उसके बाद में करौली और धौलपुर। करौली धौलपुर के अंदर ये बहती है, और इसके अंदर जो चंबल नदी है इस चंबल नदी के द्वारा सबसे ज़्यादा अपरदन होता है। अपरदन किसके द्वारा होता है? सबसे ज़्यादा अपरदन होता है इस चंबल नदी के द्वारा, सबसे ज़्यादा अपरदन होता है। और कोटा के अंदर इसके ऊपर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। कोटा में क्या बना हुआ है? हैंगिंग ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, एक गांधी सागर बांध इसके ऊपर है, राणा प्रताप सागर बांध है और जवाहर सागर बांध है, ये चार, कोटा बैराज, ये चार बांध इसके ऊपर है। बिल्कुल ये सही बताया है रोशनी मनेरिया ने। हाँ कामधेनु मैंने लिखा तो है, चर्मणवती, कामधेनु, बारेमासी, ये तीनों इसके उपनाम है। एमपी से सर, एमपी के अंदर ये जो मऊ जिला है इसकी जो जनापाव की पहाड़ियां हैं इससे निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंबल। हाँ आगे यमुना के अंदर मिल जाती है, यमुना फिर गंगा में मिलके ये जो बंगाल की खाड़ी है उसका अपवाह क्षेत्र बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां पर आती है? क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से शेयर करें एक बार। सर्वाधिक भीड़, बिल्कुल राहुल सिंह, सर्वाधिक भीड़ मैंने इसीलिए लिखा था कि सर्वाधिक अपरदन है वो चंबल नदी के द्वारा होता है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है, बिल्कुल। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी है, बिल्कुल। प्रदीप कछावा राइट है। हाँ शिवानी, यमुना में मिल जाती है, यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी, चंबल की बनास सहायक नदी है और यमुना है वो गंगा की सहायक नदी है। एक बार शेयर कर दीजिए, सभी को बुला लीजिए। चलिए सभी का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। ऑप्शन नंबर ए है गोविंदगढ़, ऑप्शन नंबर बी में है पिसांगन, ऑप्शन नंबर सी में है बालोत्रा, ऑप्शन नंबर डी में है पाली। जल्दी से बताएं। पिंकी साहू नमस्ते गुरुजी, नमस्ते पिंकी। रामेश्वर गोदरा, देखो क्वेश्चन नंबर लिखें उसके बाद में ऑप्शन लिखें तो मुझे क्लियर रहेगा। राहुल रामावत बता रहे हैं 8 में सी लॉक, बिल्कुल। बालोत्रा, बाड़मेर, पिंकी साहू, बिल्कुल बिल्कुल 8 में सी बता रहे। जीके फिटनेस प्रदीप का भी सी है, रोहित का सी है, पिंकी का, पिंकी अभी बताया नहीं है, शिवानी का सी है, राहुल सिंह का सी है, जीके फिटनेस बालोत्रा, नीरज का सी है, परमेश्वर गोदारा का भी सी है, रामकिशोर आंवला का सी है। एक बार शेयर कर दे जल्दी से सभी को। चलिए सभी का राइट आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर सी बालोत्रा। मैंने बताया था जब पुष्कर की पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा बरसात होती है तो पुष्कर के अंदर ही जो नागपहाड़ी है, अजमेर की जो पुष्कर में है नागपहाड़ियाँ, यहाँ से लूणी नदी निकलती है। कौन सी? लूणी नदी। और लूणी नदी यहाँ पर बहते हुए अजमेर, अजमेर के बाद में नागौर, नागौर के बाद में पाली, पाली के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में बाड़मेर और बाड़मेर के बाद में जालोर। यहाँ पर ये बहते हुए आगे कच्छ के रण के अंदर गिर जाती हैं। बता दिया सर जी कब का ही, पिंकी साहू। अच्छा हाँ बता दिया, मैंने पढ़ भी लिया। 6 डिस्ट्रिक्ट में बहती है, बिल्कुल 6 डिस्ट्रिक्ट में बहती है। बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लूनी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल पिंकी राइट है आपका। लाइक कर दिया सर जी मैंने। आप सभी लाइक करें, सभी शेयर करें, सभी को बुलाएं, सेशन में जोड़े ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट भाई बहनों को। क्वेश्चन नंबर 9, लूनी की निम्न सहायक नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है? ये हमें इसमें बताना है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है बांडी, ऑप्शन नंबर बी है जोजरी, ऑप्शन नंबर सी में है लीलड़ी, ऑप्शन नंबर डी में है जवाई। 9 में बी जोजरी, जोजरी नदी जीके रोशनी का बी है, भीम शर्मा का बी है, शोएब खान का बी है, शिवानी नागर का बी है, परमेश्वर का डी। परमेश्वर एक बार फिर से देखो, रोहित प्रजापत सर 9 का डी, रोहित एक बार देखो, तेजवीर बी, जोजरी रामकिशोर आंवला 9 में बी, तेजवीर का बी है, भीम का बी है, शिवानी नागर का जोजरी, हंसराज का बी है, पिंकी साहू जोजरी, तेजवीर बी जोजरी। चलिए चलिए सभी जोजरी हैं, मतलब सभी को जुकाम लगा हुआ है और जोजरा बोला जा रहा है, कोई भी क्लियर नहीं बोल रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जोजरी नदी। जोजरी नदी है ये, इसकी लूणी नदी की सहायक नदी तो है लेकिन ये कहाँ से? अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। कहाँ से नहीं निकलती है? ये अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। और बाकी बांडी, लीलड़ी, जवाई ये सारी की सारी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से निकलती है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो लूणी नदी है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। देखो ये जो चारों लिखी है ये चारों की चारों ही इसकी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन जोजरी है वो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। इसके अलावा मैं और बता देता हूँ इसकी जो सहायक नदियाँ हैं। इसके अंदर सोकड़ी, कल मैंने बताया था आप लोगों को याद होगा, सोकड़ी, बिल्कुल सोकड़ी, सोकड़ी सी, कुछ खाती पीती नहीं है इसलिए बिल्कुल सोकड़ी सी है। बांडी है, बहुत ज़्यादा बदमाश है इसलिए बांडी है। और बिल्कुल जोजरी, मतलब गले से क्लियर नहीं बोला जा रहा इसलिए जोजरी है। उसके बाद में लीलड़ी, मतलब बिल्कुल हरे कलर की है, लीली लीली है इसलिए लीलड़ी है। और बिल्कुल जवाई, जवाई जी पावना, इसलिए ये जवाई। और फिर सूकड़ी सी है, बिल्कुल पतली सी। और फिर खारी, बिल्कुल खारी खारी है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये लूणी नदी की सहायक नदियाँ हैं, आप लोग देखते जाना। बिल्कुल गणपतराम, आज मैं लेट हो गया बीकानेरी, बिल्कुल लेट नहीं होना दोस्त। फिर इसको मीठड़ी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मीठड़ी। हाँ, लेट नहीं है। बाड़मेर, गुड़ामलानी से प्रणाम, बिल्कुल गणपत प्रणाम आपका स्वीकार है। फिर गुइया, गुइया कौन सी कितनी हो गई देख लीजिए। ये सारी की सारी नदियां आ गई है कि नहीं आई है? एक बच गई थी हमारी, कौन सी बच गई? सागी। ये सारी की सारी लूणी नदी की सहायक नदियां हैं, आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। सर एकमात्र नदी जो दाईं ओर से मिलती है, बिल्कुल भीम शर्मा, बिल्कुल भीम शर्मा, दाईं ओर से मिलती है तभी तो ये अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। यही तो कारण है इसका, अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने का। बाकी सारी अरावली से निकलती है इसलिए ये बाईं ओर से मिलती है, और ये दाईं ओर से मिलने का कारण है क्योंकि ये अरावली से नहीं निकलती है। ठीक है गुरुजी, जवाई जी, बांडी, सुकोड़ी, मिठाई लाया लीला के, बिल्कुल। देखो भाई, ट्रिक से मैंने कभी याद नहीं किया, बाकी मैं 2-3 बार जब पढ़ता हूँ तो अपने आप ही याद हो जाती है। और बाकी आपको अगर ट्रिक से याद होती है तो आप ट्रिक बना लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक से याद रख पाएँ तो ट्रिक से भी याद रख लीजिए। पिंकी को पूरा पता है, ट्रिक है गुरुजी, जवाई जी, बांडी, सुकोड़ी, मिठाई लाया लीला के। लीला बतायो कि पिंकी, लीला बतायो कि मिठाई जी की सुकोड़ी लाया खारी मिठाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? हमें ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर नदी नहीं बहती है राजस्थान का? ऑप्शन नंबर ए है नागौर, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर। तो जल्दी से बताएं कौन से जिले के अंदर नदी नहीं है। राहुल बता रहा है 10 में डी। सर टेस्ट सीरीज कैसे निकाले? बिल्कुल गणपत राम बताऊंगा। 10 डी लोग, मैंने जो वीडियो बनाया उस वीडियो की स्ट्रेटेजी आप बिल्कुल देख लीजिए। राहुल रामावत, सोहेब डी, डी रोशनी का डी है, बीकानेरी का डी, पिंकी साहू सर जी पीटीआई की तैयारी करा सर जी, एग्जाम आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी की भी तैयारी करो, सभी के अंदर एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। चूरू और बीकानेर में नहीं है। दीपक यादव डी, हंसराज सेम बता रही है, दोनों में नहीं है। मनोज डी, मनोज का डी है। रामकिशोर का जॉब लग जाओ डी, प्रदीप कछावा डी, नीरज शर्मा डी, आंसू खटीक मालपुरा डी, दीपक का डी, बीकानेर का। चलिए, सभी का राइट आंसर है हमारा इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी है, ये बिल्कुल राइट है बीकानेर। और इसके साथ ही साथ चूरू के अंदर, दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी नदी नहीं बहती है। लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, जो कांतली नदी है, ये कांतली नदी चूरू की जो सीमा है इस सीमा के ऊपर ही ये खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, इसके अंदर नहीं बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, अजमेर की आना सागर झील में कौन सी नदी का पानी आता है? अजमेर की आना सागर जो झील है इसमें कौन सी नदी का पानी आता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है लूनी, ऑप्शन नंबर बी में है बांडी, ऑप्शन नंबर सी में जोजरी, और ऑप्शन नंबर डी में है लूनी व बांडी दोनों का। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। बंटी गुजर बीकानेर, बिल्कुल बिल्कुल, आंसू खटीक डी था उसमें। 11 का बताएं, 11 में बी, 11 में बी बता रहा राहुल रामावत, बंटी गुजर बीकानेर। हाँ बंटी, वो क्वेश्चन हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 11 बताएं। शिवानी नगर डी, बिल्कुल वो सही है 11, राहुल रामावत 11 में बी लॉक करें सर, बिल्कुल लॉक कर देंगे। राहुल बीकानेरी का बी है, गणपत का गणपत राम डी, गणपत एक बार फिर से देखो। शोएब खान 11 में बी, तेजवीर कुंतल बी, हंसराज का 11 में डी, हंसराज फिर से देखो, तेजवीर का भी है, रावल का भी है, रामकिशोर का भी, और रोशनी का भी, दीपक का सी, दीपक फिर से देखो, पिंकी साहू बांडी, बिल्कुल बिल्कुल तेजवीर भीम बीकानेरी रावल। चलो सभी का राइट आंसर इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बांडी नदी। बांडी नदी है ये अजमेर की जो आना सागर झील है इसके अंदर गिरती है। कहाँ पर गिरती है? आना सागर झील के अंदर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। नदियां हैं और उद्गम स्थल हैं, इन नदियों और उद्गम स्थल के बारे में हमें बताना है। लूनी नदी है, नागपाड़ियाँ, बेड़च ये गोगुंदा की पहाड़ियाँ, और सोम है, बिंछा मेंढा पहाड़ियाँ, और माई ही है ये कहाँ से है? विंध्याचल पहाड़ियाँ। जल्दी से देखिए और बताइए कौन सा आंसर इसके अंदर राइट होगा हमारा। सर आपने अभी तक नोट्स प्रोवाइड नहीं कराए, थोड़ा सा बिजी हो गया था, मैं आज भेज दूंगा। हाँ मुझे तो आज नेटवर्क बहुत परेशान करा प्रदीप। अच्छा थोड़ा सा दिक्कत होगा, कोई बात नहीं दोस्त। देखो मुश्किलें परेशानियाँ जिंदगी के अंदर आती हैं और हमें उनका डटकर मुकाबला करना है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर राइट आंसर बताएंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताएं जल्दी से। 12 में डी, रोशनी का आया 12 में डी, तेजवीर का डी है। सभी बताएं जल्दी से, जल्दी जल्दी बताएं। सर 11 में डी आएगा, तेजवीर डी, दीपक का भी डी है, नीरज शर्मा ए। नीरज एक बार फिर से देखो, नीरज इतना क्वेश्चन इजी गलत कैसे कर रहे हो? आंसू खटीक मालपुरा टोंक डी, शोएब खान 12 में ए। शोएब एक बार फिर से देखो, नदी में सुमेलित करना है और इनमें कौन सी नदी सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। डी डी, पिंकी साहू डी, दीपक का डी है, भीम शर्मा का डी है, रोशनी का डी है, हंसराज का डी है, आंसू खटीक का डी है, विजय राज का डी है, उसके बाद में बीकानेरी बादशाह का डी, शोएब खान का डी, गोकुल गोकुल का डी, रामकिशोर आंवला का डी, नीरज शर्मा का डी। चलिए सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा राइट हो जाएगा इसके अंदर क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। लूनी नदी है वो हमें पता है, अजमेर की नागपाड़ियों से निकलती है। बेड़च नदी है, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, और ये आयड या आहड़ नदी के नाम से उसमें उदयसागर में गिरती है और उसके बाद में बेड़च नाम इसका हो जाता है। सोम है ये बिंछा मेंढा पहाड़ियों से निकलती है, और माई नदी है ये विंध्याचल पहाड़ियों से नहीं निकलती है। विंध्याचल पहाड़ियों से नहीं निकलती है माई नदी। माई नदी आपको पता होगा, मैंने माई नदी के बारे में आपको क्लियर बताया होगा कि माई नदी कहाँ से निकलती है। माई नदी जो माई नदी है ये धार, मध्य प्रदेश का धार डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश का धार डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर जो महंद झील है, महंद झील से निकलती है। कहाँ से? महंद झील से। आपको ध्यान होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जो माई नदी है विंध्याचल पहाड़ियों से नहीं निकलकर मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट की महंद झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में किस नदी का बहाव क्षेत्र नाली कहलाता है? राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी नदी है जिसका बहाव क्षेत्र है वो नाली कहलाता है? 11 नंबर जी में डी आएगा और आपने बी बोला है। मैंने बी नहीं बोला, मैंने डी बोला है। बी नहीं बोला, मैंने डी बोला है, और अभी समझाया भी तो है मैंने 11 में, 11 नंबर क्वेश्चन में। डी कहाँ से आएगा? 11 में बी आएगा, बांडी नदी तो है 11 में। 11 में बांडी नदी तो आएगा 11 नंबर क्वेश्चन में। 13 का बताए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए है लीलड़ी, ऑप्शन नंबर बी में है गग्गर, सी में जवाई और डी में सारनी। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बी। बी कौन बता रहा है? दीपक बी बता रहा है। 13 में बी, सोहेब बी, बीकानेरी बी, गग्गर पिंकी का बी, गग्गर रोशनी का बी। चलिए सभी का बी है इसके अंदर, तेजवीर का बी है, आंसू का बी है। सर आपने बताया तो नहीं वन रक्षक के बारे में? मैंने बता दिया वन रक्षक के बारे में, आप वीडियो देखिए, आज मैंने पूरा उसका डिटेल्स आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो बताई है। बाकी वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम मिले, जैसे ही मैं बना दूंगा सारे आप क्लियर कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर, टेंशन नहीं ले। रामकिशोर का भी। चलिए सभी का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर बी गग्गर नदी। जो गग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है इसे नाली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नाली के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 है राजस्थान के किस जिले में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है। ये हमें इसके अंदर राइट आंसर बताना है। राजस्थान के किस जिले में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है, इसका हमें राइट आंसर बताएं जल्दी से सभी। ऑप्शन नंबर ए है टोंक, ऑप्शन नंबर बी में है उदयपुर और सी में है जयपुर और डी में गंगानगर। सर आज कौन सी झील में घूमने गए? पिंकी साहू रोज झील में ही थोड़े ही घूमने जाना है, आज किसी झील में नहीं गए घूमने, आज किसी भी झील में घूमने नहीं गए हम। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। सी सभी सी बता रहे हैं क्या? तेजवीर कुंतल सी बता रहे, शोएब खान सी, पिंकी का जयपुर सी, रोशनी का सी है, भीम का सी, आंसू का स्किप, आंसू स्किप करें कोई बात नहीं, आयुष का सी है, गणपत राम का सी, बीकानेरी का स्किप है, याकूब खान ए। याकूब एक बार फिर से देखो, तेजवीर का सी, 14 रामकिशोर आंवला का सी। आप देखो अब 9 बजे सवा 9 बजे आप सभी आ रहे हैं जबकि हमारी क्लास है 8:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। सर आप ऑफलाइन पढ़ाना शुरू करेंगे तो हम अब की बार सिलेक्शन लेकर आएंगे। बिल्कुल राहुल सिंह, हम सिलेक्शन लेकर आएंगे, आप निश्चिंत रहें। बस मैं बोल रहा हूं आपको 15 तारीख के लगभग आप थोड़ा 15 तारीख तक वेट कीजिए, उसके बाद में कंटिन्यू सब कुछ स्टार्ट कर देंगे। बस आप लोग मुझे बता दें कि कितने आ रहे हैं। आप मुझे कमेंट अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर मुझे कमेंट करके बताएं कि सर हम आ रहे हैं। वहाँ पर रंगाई छपाई के कारण, बिल्कुल रंगाई छपाई के कारण से यह द्रव्यवती नदी है प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना करिए और इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयपुर। जयपुर जिले के अंदर जो द्रव्यवती नदी है ये प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आज के आपको ये जो सेशन है इसके अंदर आपको इंडिया की जो नदियाँ हैं इसके बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए आपको इंडिया का पार्ट है वो कैसा है। और सभी रुके रहना, इस क्लास के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही अच्छी चीज। किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है? कौन सी नदी है जिसका उद्गम है वो सेवर पहाड़ी से है? सेवर की पहाड़ियां आप लोगों को पता होगी कहां पर हैं। सेवर की पहाड़ियां, द्रव्यवती नदी और आमीन शाह का नाला एक ही है क्या? हाँ भीम शर्मा, दीपक यादव सी। 15 क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताएंगे और कोई जाएगा नहीं। ये सेशन जैसे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तो मैं एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कल के लिए हम क्या स्पेशल करने वाले हैं। साबी नदी भीम का, साबी नदी डी, आंसू का डी, रोशनी का डी है, गणपत राम सर आपकी आवाज़ कोयल जैसी है गणपत राम। साबी, पिंकी का साबी है, प्रदीप का डी है, बीकानेरी का डी है, याकूब का डी है, दीपक यादव का डी, प्रदीप का डी। चलिए सभी का आंसर राइट है इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर डी साबी नदी। साबी नदी है जो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है और सेवर की पहाड़ियां कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में सेवर की पहाड़ियां हैं और यहां से साबी नदी है वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बाकी सभी जा क्यों रहे हैं भाई? सभी को मतलब ये सारे क्वेश्चन आते हैं क्या? सभी की तैयारी अच्छी है पहले से, मतलब उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अगर जरूरत नहीं है उनको तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, हमें सुमेलित करना है नदी और उनका उद्गम स्थल। आप लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आप जब नदियों के बारे में कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ से कम 4-5 क्वेश्चन आने वाले और एक भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नदियां हैं और उनका उद्गम स्थल है, इनके बारे में हमें बताना है तो आप जल्दी से इसका बताएं कि कौन सा आंसर है इसके अंदर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर साबी है, सेवर की पहाड़ियां, उसके बाद में है आपका कांकनी कोटड़ी पहाड़ियां और बाणगंगा बैराट पहाड़ियां और कांतली नदी है खंडेला पहाड़ियाँ। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर राइट आंसर क्या होगा। तेजवीर 16 में बी, बिल्कुल 16 में बी। 15 में आई डोंट नॉट नहीं होता, आई डोंट ट्री में ही नॉट आ गया, आई डोंट नाउ होता है शिवानी। ये करेक्शन सुधारो ताकि आपके इंग्लिश का अगर कोई भी पेपर होगा तो उसमें ये आपके मार्क्स काट देंगे। प्रदीप का बी, 16 में बी। बीकानेरी बादशाह 16 में बी। सर कांकनी नदी जैसलमेर से निकलती है और जैसलमेर में ही लुप्त हो जाती है बिल्कुल। रोशनी प्रदीप कछावा बी, बंटी का भी है, दीपक का भी है, रोहित का भी है, रामेश्वर आंवला का भी है। चलिए सभी का इसके अंदर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी कांकनी नदी है। ये कोटड़ी गांव से निकलती है, पहाड़ियां नहीं आएगी यहाँ पर, कोटड़ी गांव, तब हमारा ये राइट आंसर होगा। आई डोंट नो पिंकी साहू। चलिए बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बाकी सभी है जो सेवर पहाड़ियों से, बाणगंगा है वो बेराट की पहाड़ियों से, कांतली है खंडेला से निकलती है, लेकिन कांकनी वाला रोंग है, बिल्कुल कांकनी वाला रोंग है क्योंकि ये कोटड़ी गांव से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताएंगे सभी। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? चंबल नदी है, इसकी हमें लंबाई बताना है कि कुल लंबाई कितनी है चंबल नदी की। 376 किलोमीटर, 590 किलोमीटर, 610 किलोमीटर और 965 किलोमीटर। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। रोशनी मनेरिया 17 किलोमीटर। रोशनी वेयर इज योर माइंड गणपत राम सर, आपके वहाँ बारिश है क्या? नहीं है यार, बारिश नहीं है। शिवानी नागर 16 में भी, शिवानी 16 हो गया कंप्लीट। 17 का राइट आंसर बताएं, 17 का राइट आंसर बताएं जल्दी से बताएं 17 का राइट आंसर। रोशनी मनीरा 17 में डी, भरत मुनिया डी, दीपक यादव डी, प्रदीप कछावा स्किप। प्रदीप आ नहीं रहा है या जानबूझ के स्किप कर रहे हो कि इस आज सेशन के अंदर एक भी स्किप नहीं किया तो कम से कम एक स्किप करके हम अपना नामांकन करवा दें। रामकिशोर आंवला 17 में डी, नीरज शर्मा डी, शोएब खान दीपक का 965 17 डी, 965 ये। बीकानेर 17 स्किप, बंटी 965, हिमानी गुजर डी, रोहित प्रजापत सर डी, पिंकी साहू 965 सर। चंबल नदी की लंबाई अलग अलग आंकड़ा है बुक में, भीम शर्मा कोई दिक्कत नहीं, 965 है ये राइट है। तेजवीर कुंतल सॉरी कोई बात नहीं 965। चलिए इसकी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चंबल नदी की कुल लंबाई है वो 965 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर है 965। प्रदीप कचावा नो कोई बात नहीं, बंटी 965। चलिए सभी का राइट आंसर है 965 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बताओ तो जाने दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? सर जी गलती से टाइप हो गया था, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है लेकिन गलतियों को दोहराने वाला क्या होता है? जो गलती नहीं करे वो भगवान होता है, जो गलतियां करें वो इंसान होता है और जो गलतियों को दोहराएं वो शैतान होता है। सॉरी कोई बात नहीं, प्रदीप नो हो गया। 18 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। बीकानेरी ए, रोशनी डी, शिवानी डी, हिमानी डी, बीकानेरी का ए, प्रदीप का ए, रोहित सरजी 18 का ए, तेजवीर का डी, हिमानी का डी है, प्रदीप का डी, तेजवीर का डी, दीपक यादव ए। हाँ 965 शिवानी सही है, पिंकी साहू गोदावरी, दीपक यादव ए, रामकिशोर आंवला का ए, शोएब खान का ए, निधि यादव 18 में ए, प्रदीप कछावा ए, नीरज शर्मा का ए। चलिए सभी का राइट आंसर है बिल्कुल। ये इंडिया का मैंने क्वेश्चन लिया इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितने राइट दे पाएंगे, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट है सभी ने राइट आंसर दिया है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। गोदावरी नदी है, इसको दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी भारत की गंगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है बिहार का शोक किसे कहते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देके बताएं तो जाने। हाँ बिल्कुल, उसका गोदावरी था, राइट आंसर था गोदावरी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 19। बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक किसे कहते हैं ये हमें बताना है। भीम और बंटी दोनों, गोदावरी ठीक था उसमें, 18 का ए था राइट है, शिवानी नागर। अभी 19 का बताएं, बिहार का शोक किसे कहते हैं? अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, कोसी। 19 में डी, 19 में डी, सोहेब का डी, तेजवीर का डी, उसके बाद में हिमानी का डी, याकूब खान का ए, तेजवीर का डी, बीकानेरी का डी और भारत मुनिया बी, रोशनी का डी, यशवी यादव डी, कोसी नदी पिंकी साव निधि डी, दीपक यादव डी, निधि का डी है, तेजवीर का डी है, बीकानेरी का डी है। 19 में डी, रामकिशोर का, दीपक का, कोसी, निधि का डी, बीकानेरी, हिमानी गुजर का डी, प्रदीप कछावा डी। चलिए सभी का इसके अंदर राइट आंसर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको राजस्थान के साथ साथ इंडिया की भी आपने अच्छी सी जीके तैयार कर रखा है। 19 के अंदर क्या होगा? डी, कोसी नदी। कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। क्यों कहलाती है? जब कोसी नदी के अंदर जब बहुत ज़्यादा बारिश जब नेपाल में होती है तो इस नदी का बहुत ही ज़्यादा तेज प्रवाह और इसके अंदर बहुत खतरनाक बाढ़ आती है जो बिहार के अंदर बहुत उथल पुथल मचाती है। बिहार के अंदर खेती, घर, गलियान सबको उजाड़ देती है, इसलिए बिहार को इसका शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पद्मा, ऑप्शन नंबर बी में है जमुना, ऑप्शन नंबर सी में गंगा, ऑप्शन नंबर डी में है मेघना। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है पद्मा, बी में जमुना। जल्दी से बताएं। कोसी, हाँ वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं, 20 का आंसर बताएं कौन सा होगा? 20 में सर सीकर से राम राम सा दीपक यादव, बिल्कुल राम राम दीपक। बीकानेर 20 में ए। जल्दी से बताएं इसका आंसर। 20 में ए बता रहे हैं, 20 में ए बता रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। पद्मा बता रहे हैं, पद्मा बता रहे हैं, सभी पद्मा बता रहे हैं। 20 में ए। प्रदीप कछावा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछा है और सभी इसमें डी, डी कौन बता रहा है? दीपक यादव डी बता रहा है। एसपी बागो 20 में ए आएगा सर। एसपी इतनी देर कहाँ थे? रोशनी मनेरिया 20 में ए, 20 में डी रामकिशोर का। चलिए इसके अंदर मैं बता देता हूँ आपका सभी का इसके अंदर आंसर है वो गलत है। 20 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। आपको ये क्लियर होना चाहिए, जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर बी, भीम शर्मा बी। बंटी गुजर पद्मा नहीं है, प्रदीप कछावा ए नहीं है, जमुना होगा बी। जमुना होगा इसके अंदर, जमुना होगा। रोशनी 20 में ए नहीं होगा। शिवानी डी सर मम्मी मामा जी से बात कर रही थी। देखो हमारा सेशन स्किप हो गया ना। बंटी गुजर पद्मा, देखो पद्मा नहीं है, मैंने बता तो दिया आप लोगों को। राजस्थान लेवल के कराओ, अरे डीजे रिमिक्स राजस्थान लेवल के नहीं, वहाँ पर आपको सारे इंडिया के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपको क्या करना है। मैं इसीलिए आप लोगों को रोक के रखा था। आपका मैंने पूरा संपूर्ण सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और दो महीने के अंदर हमें कैसे तैयारी करना है, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है, एक वीडियो बनाया है आज जो एक संपूर्ण स्ट्रेटेजी के लिए है, वो वनपाल और वन रक्षक की। तो आप उसमें से वो वीडियो देखें और उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई स्टडी करें तो आप रियल में ही वहाँ तक पहुँचेंगे। और कल से मैं बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों के साथ ही साथ मैं आपको मॉडल पेपर कराऊंगा जिसके अंदर खाली मैथ को छोड़कर, किसको छोड़कर? मैथ्स को छोड़कर, मैथ को छोड़कर मॉडल पेपर होंगे, जिसके अंदर मैथ को छोड़ के बाकी आपकी जीएस होगी और जीके होगा। जीके के अंदर इंडिया और राजस्थान, ये पूरा एक मॉडल पेपर करवाऊँ, मॉडल पेपर लेंगे हम साथ में, टोटल एक कंप्लीट मॉडल पेपर। अब खानो खावा सर जी, पिंकी साहु बिल्कुल खाना खाना है। अभी मुझे बताएं जल्दी से किसके कितने क्वेश्चन राइट हुए। सर नमस्ते ही किया था आपको तब ही कॉल आ गया मामा जी का, कोई बात नहीं। पीडीएफ सिलेबस प्रोवाइड करा दो। मैंने सिलेबस प्रोवाइड करवाया और वीडियो भी बनाया है, मैं सारी चीज़ें दे दूंगा आपको। निधि यादव थैंक यू सर, थैंक यू। इसकी जो पीडीएफ है अपना टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन मोटिवेशन ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी कल से हम मॉडल पेपर करेंगे वनपाल वनरक्षक के लिए, जिसके अंदर GS लेंगे, GK लेंगे इंडिया और राजस्थान का। ठीक है सर जी, इंडिया GK सही है, ओके बिल्कुल इंडिया GK लेना है साथ में, क्योंकि हमारे 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन हैं आपके इंडिया GK के आएंगे, इंडिया GK के, और ये भी मायना रखते हैं। 20 में से 19 सही है रामकिशोर के, बिल्कुल बहुत अच्छा। सर आप आज कहाँ घूम रहे थे? आज कहीं नहीं घूम रहा था मैं। कौन सी झील थी? आज नहीं, वो कल का था, कल का था, कल का डाला था वीडियो, कल ही डाल दिया था, आप लोगों ने आज देखा था। 20 में से 17 प्रदीप के और डीजे रिमिक्स मुकेश के। सर जी 17 है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? 17 वाला नहीं भर पाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी बीकानेरी। बिल्कुल आप सेशन के अंदर 8:30 बजे बिल्कुल आ जाएं, सभी को बता देंगे 8:30 बजे हम स्टार्ट कर देंगे। कभी 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप 9:30 बजे तक भी नहीं आते, 9-9:15 तक भी नहीं आते हैं, इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ आप टाइम से आ जाएं क्लास के अंदर। 20 में से एक बताया, वो भी गलत था। चलिए हमारा सेशन समाप्त हो गया, अभी हम कंप्लीट करते हैं इसको और मिलेंगे हम कल एक नए क्लास के साथ में, नए एक उसके साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड इवनिंग, गुड नाइट, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम सभी।